हेलो फ्रेंड्स, ये 13वां ट्यूटोरियल वीडियो है। इससे पहले 12 ट्यूटोरियल वीडियो एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के लिए आ चुका है, जिसमें आसान भाषा में कंप्यूटर साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। कोशिश ये है कि पहले कॉन्सेप्ट पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाए। अगर आप चीज़ों को समझ गए, आप समझ गए मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, जो कि मैंने कल की वीडियो में कराया था, तो आपसे कोई भी सवाल पूछ देगा उससे रिलेटेड, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो MCQs आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सारे वीडियोज़ को देखते हैं जो मैंने पीछे बनाए हुए DBMS पर, SQL पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, जो अब तक के ट्यूटोरियल में कवर हो गया, अगर आप इन सबको पूरा देख जाते हैं और सबको समझ भी जाते हैं, तो अगर एग्ज़ाम का लेवल इन लोगों ने बेल्ट्रॉन के प्रोग्रामर लेवल पर भी रखा, तब भी 70-80% सवाल, एटलीस्ट 70-80% आप आराम से बना पाएंगे, एटलीस्ट बोल रहा हूँ। हो सकता है आप उससे भी ऊपर जाएँ, क्योंकि सीधे MCQ पर जाएंगे तो कोई पर्टिकुलर MCQ याद रहेगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। कल हमने इस जगह पर ख़त्म किया था बफरिंग स्पूलिंग पे, और आज आगे चलेंगे। आज के वीडियो में होगा CPU शेड्यूलिंग, अलग अलग शेड्यूलिंग कौन कौन तरह का होता है, एल्गोरिदम जो यूज़ होते हैं कौन कौन से हैं, अपने थ्रेड क्या होता है, आज के इंटरप्ट क्या होता है, कौन कौन टाइप का इंटरप्ट होता है, ये सारी चीज़ें हैं आज के वीडियो में। और ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी मेन पार्ट है सबको कवर किया जा रहा है। तो पहला जो अपना टॉपिक है, व्हाट इज़ CPU शेड्यूलिंग, पहले मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ उसको, इसके बाद मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। CPU शेड्यूलिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ओन प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन व्हाइल अनदर प्रोसेस विल बी ऑन होल्ड। तो शेड्यूलिंग जो है वो डिफाइन करता है, ये तय करता है कि कौन से प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा और कौन होल्ड पर रहेगा। द मेन टास्क ऑफ CPU शेड्यूलिंग इज़ टू एन्श्योर डैट वेन एवर CPU रिमेन्स आइडल, जब कभी भी CPU के पास या प्रोसेसर के पास कोई काम नहीं है, द OS एटलीस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेस, एक प्रोसेस को वो सिलेक्ट करके वो प्रोसेसर को दे दे, अवेलेबल इन द रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये CPU शेड्यूलिंग है, ये सारा कुछ जिसमें आप प्रोसेसर को इंगेज कर रहे हैं किसी प्रोसेस से, यही शेड्यूलिंग है। अब शेड्यूलिंग को इस तरह से, जिन लोगों ने पहले ये वीडियोस नहीं देखे या जो लोग अभी भी थोड़ा समझने में कुछ गलती हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, वो लोग इस तरह से समझें कि CPU को आप प्रोसेसर माने और शेड्यूलिंग मतलब आपका टाइम तय करना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोसेसर को आप डॉक्टर माने और जितने भी प्रोसेस हैं मल्टीपल प्रोसेसेस, तो सभी जो प्रोसेस है वो उसको आप पेशेंट माने। तो सारे पेशेंट एक बार मिलकर के डॉक्टर के पास पहुंच गए, मतलब प्रोसेसर के पास जो प्रोसेस था, सारा का सारे प्रोसेसेस ने प्रोसेसर को अप्रोच किया कि मुझे प्रोसेस करो। अब डॉक्टर एक बार में बहुत सारे पेशेंट को देख नहीं सकता, इसलिए वो एक शेड्यूलिंग सिस्टम यूज़ करेगा, किसको पहले मुझे देखना है, इसलिए बीच में एक किसी को बिठाया जाएगा। जैसे बिहार में कहते हैं डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाना, अपॉइंटमेंट लेने को, तो नंबर लगाने के लिए किसी को बिठाया जाएगा, तो वही नंबर लगाना ही शेड्यूलिंग है, वो प्रोसेसेस के लिए शेड्यूलिंग है। अब आगे चलते हैं यहाँ से, व्हाट इज प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम, ये टर्म बार बार यूज होता रहेगा। आप जब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव, नीचे आप देख रहे होते हैं होंगे बस टाइम, अराइवल टाइम, एग्जिट टाइम, ये सारे टर्म बार बार यूज़ हो। कई बार लोगों को इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि कोई डेफिनेशन के अंदर, किसी भी आप सब्जेक्ट का डेफिनेशन है उसके अंदर इस तरह के टर्म यूज़ हो जाते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव, बस टाइम। तो पहले से अगर इन सभी टर्म्स को हम समझ लें तो आगे फिर समझने में आसानी होगी। तो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम आर डिज़ाइंड सो डैट वंस ए प्रोसेस इंटर्स द रनिंग स्टेट, एक बार प्रोसेस रनिंग स्टेट में चला गया, इट कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड अंटिल कंप्लीट्स इट्स अलॉटेड टाइम। देखिए प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है हथियाना, बीच में से उसको रोकना। तो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम में है कि एक बार कोई प्रोसेस को, उसको प्रोसेसर मिल गया, उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, उसको जो टाइम मिला है उसको बीच में रोका नहीं जा सकता है। अब प्रीएम्प्शन में क्या होगा, उसको रोका जा सकता है। तो ये प्रीएम्प्शन में और नॉन प्रीएम्प्टिव में और नॉन प्रीएम्प्टिव में ये फ़र्क है। अब आगे देखिए वही बात लिखी हुई है, वेयर एज द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, वेयर ए शेड्यूलर में प्रीएम्प्ट लो, जो प्रीएम्प्टिव होता है वो शेड्यूलिंग सिस्टम पे काम करता है, प्रायोरिटी पे काम करता है। अगर लो प्रायोरिटी वाले का एग्जीक्यूशन चल रहा है, कोई हाई प्रायोरिटी वाला आ गया
तो जो हाई प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा बीच में से छोड़ करके। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, वेयर शेड्यूलर में प्रीएम्प्ट लो प्रायोरिटी रनिंग प्रोसेस एनी टाइम व्हेन ए हायर प्रायोरिटी प्रोसेस इंटर्स इनटू रेडी क्यू स्टेट। मैंने यहाँ पे स्टेट लिख दिया, आमतौर पर आप किताबों में रेडी क्यू लिखा हुआ रहता है। तो ये सारा है। तो डिफाइन, अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर बात हुई कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में प्रोसेसेस को एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है। अब जो लोग समझ के सारा कुछ समझ रहे हैं उनको ये सवाल होना चाहिए था उनके मन में कि अलग अलग प्रोसेस है, किसी ने एक्सेल खोल रखा, किसी ने कंप्यूटर में गेम खोल रखा, किसी ने कोई वीडियो चला रखा, अब कौन से वाले प्रोसेस को हायर प्रायोरिटी असाइन होगी, तुम्हारा नंबर पहले है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। कोई तो सिस्टम होगा ना कि किसी प्रोसेस को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और किसी प्रोसेस को हम थोड़ा कम उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये कैसे तय होगा, ये अब आगे इस पर बात होगी। पर एक प्रायोरिटी सिस्टम भी होता है शेड्यूलिंग में। व्हाट इज बस टाइम, अराइवल टाइम, एग्जिट टाइम, इन सभी को देखिए, वन लाइनर डेफिनेशन है, बस थोड़ा समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बस टाइम में क्या होता है, दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ऑन प्रोसेस। जितना देर प्रोसेसिंग हुआ किसी भी प्रोसेस का, आपने कोई फाइल बनाया उसको सेव किया तो उसको कितना टाइम लगा, वही बस टाइम है। उसके बाद अराइवल टाइम है, दिस इज द टाइम व्हेन ए प्रोसेस इंटर्स इनटू रेडी स्टेट एंड इज़ रेडी टू एग्जीक्यूशन। देखिए एक होता है टाइम, एक होता है टाइम पीरियड, ये दोनों में फ़र्क है। जो अपना बर्स्ट टाइम है ये टाइम पीरियड है, 4 सेकंड, 5 सेकंड ऐसा कुछ लगेगा किसी भी तरह के, कुछ नहीं हो सकता है सेकंड से भी कम, नैनो सेकंड, लेकिन कुछ एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा। तो बर्स्ट टाइम एक टाइम पीरियड है, जबकि अराइवल टाइम एक टाइम है, फिक्स टाइम है, कितने बजे इंटर हो गया प्रोसेस, है ना। दिस इज़ द टाइम व्हेन ए प्रोसेस इंटर्स इनटू रेडी स्टेट, वो इंट्री का टाइम है, वो फिक्स टाइम है, वो पीरियड नहीं है 4 सेकंड 5 सेकंड लंबा। एग्जिट टाइम देखिए, टाइम व्हेन प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन एंड एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम। रिस्पांस टाइम, नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है पर मैंने सिर्फ लिख दिया, कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। रिस्पांस टाइम, दिस इज द टाइम स्पेंट व्हेन द प्रोसेस इज द रेडी स्टेट एंड गेट्स द सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम, टोटल टाइम टेकन, टाइम स्पेंट बाई द प्रोसेस इन द रेडी स्टेट वेटिंग फॉर सीपीयू, कितना टाइम उसने खर्च किया वेट करने के लिए प्रोसेसर का। जहाँ जहाँ सीपीयू लिखा हुआ उसको प्रोसेसर समझते जाइए, प्रोसेसर मिलेगा उस प्रोसेस को, कितना वेट किया, वेटिंग टाइम है वो। अब आम तौर पर जो सवाल आते हैं, मैंने जितना भी अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अराइवल एग्जिट, इन पर नहीं, मैंने बस टाइम पर कुछ जगहों पर सवाल देखा है। इसके अलावा मैंने और, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यू देखे हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, सैकड़ों हज़ारों में अलग अलग जगहों पर, तो बस टाइम पर कई जगहों पर सवाल पूछा गया, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगले पॉइंट पर हम लोग चलेंगे इसके आगे, विच आर डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, आप शेड्यूलिंग समझ गए क्या होता है, पर अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि शेड्यूलिंग होता कैसे। देखिए सबसे पहले तो शेड्यूलिंग करने की ज़रूरत हर तरह के प्रोसेसिंग में है, नो मैटर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके सिस्टम का वो कितना भी अच्छा हो, अगर उस पर वर्कलोड ज़्यादा पड़ गया। एल्गोरिदम का मतलब है कोई फॉर्मूला, कोई रूल, जैसे कि हम गूगल पर जब कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने कुछ सेट ऑफ वेबसाइट आती है हमारे साथ निकल करके, तो गूगल का अपना एल्गोरिदम है जो डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट को उसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है। तो उसी तरह से शेड्यूलिंग का भी एल्गोरिदम है कि कौन से प्रोसेस को कब शेड्यूल किया जाएगा, किस, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने के बोला था कि प्रोसेसर जो है वो डॉक्टर है और जो अलग अलग प्रोसेस है वो सब पेशेंट है, तो किस पेशेंट की बारी पहले आएगी, किस पेशेंट की बारी बाद में आएगी डॉक्टर को दिखाने की। मान लें कोई सीरियस पेशेंट आ गया तो उसको जल्दी से दिखाना है, तो उसके लिए सेट ऑफ रूल पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको प्रायोरिटी देनी है और किसको छोड़ना है। तो यही डिसाइड होता है प्रोसेस, कब प्रोसेस का नंबर आएगा प्रोसेसर के लिए, वो डिसाइड होता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से। और ये एल्गोरिदम जब ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जाता है, उसकी जब कोडिंग होती है, तो वहाँ पर पहले से होता है। तो यहाँ पर हम एक एक करके जो अलग अलग एल्गोरिदम है उनको देखेंगे, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ वाला। एज क्लियर बाई नेम प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज पर देयर अराइवल टाइम,
जो प्रोसेस पहले आ गया उसको प्रोसेसर पहले मिल गया। इट्स सपोर्ट्स बोथ प्रियम्प्टिव एज वेल एज नॉन प्रियम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये प्रियम्प्टिव भी है, नॉन प्रियम्प्टिव भी है। कई जगह एग्जाम में पूछा गया है कि ये वाला शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ये बताइए ये प्रियम्प्टिव है या नॉन प्रियम्प्टिव है, इस तरह के, या बोथ है या नन है, कोई भी नहीं है। तो इस तरह के सवाल कई जगह पर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड किया है कि ये प्रियम्प्टिव नॉन प्रियम्प्टिव दोनों जगह काम करता है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले अंदर गया वो बाहर भी पहले जाएगा। दिस इज़ नॉट ए गुड परफॉर्मेंस वाइज बिकॉज एवरेज टाइम इज़ हाई। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज ये सही नहीं माना जाता जो FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है, क्योंकि एवरेज टाइम जो होता है वो ज़्यादा लगता है। ये हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात। और जो सवाल आता है वो यहीं से आता है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि FCFS का फुल फॉर्म बताइए, या आपसे बोला जाएगा कि बताइए कि प्रियम्प्टिव है कि नॉन प्रियम्प्टिव है, या आपसे पूछा जाएगा कि फीफो क्यू बेस्ड किस फीफो को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, FCFS से, राउंड रॉबिन से, वहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब मैंने ये चार लाइन तीन लाइन में लिख दिया है। अगला हमारा है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। देखिए नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है, कुछ कुछ हैं राउंड रॉबिन वगैरह वो क्लियर नहीं होता, लेकिन नाम से ही शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला, जो सबसे छोटा जॉब होगा जिसकी प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी उसको पहले अलॉट कर दिया जाएगा। तुम प्रोसेस डेट है शॉर्टेस्ट बर्स टाइम, थोड़े देर पहले बर्स टाइम की बात हुई ऊपर कि कितना देर में वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। आपने कोई गेम के लिए कोई सेटअप चालू किया, वो कितने देर में वो पूरा गेम आपके सामने सेटअप तैयार हो जाता है, तो वो है बर्स टाइम। तो जिसका बर्स टाइम सबसे कम होगा उसको सबसे पहले प्रोसेसर मिलेगा, ये है SJF। इफ़ देर इज़ टाई, अब इधर टाई भी हो सकता है, मान लें दो प्रोसेस का बर्स टाइम बराबर है, तो वैसी कंडीशन में FCFS अप्लाई होगा। देखिए पूरे एल्गोरिदम में, सभी में, जितने भी ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, कहीं भी अगर टाई हो रहा होगा तो वहाँ पर FCFS आ जाएगा, जो पहले आया था उसको पहले मिल जाएगा, फिर देन FCFS विल बी अप्लाइड। दिस एल्गो इज प्रियम्प्टिव एज वेल एज नॉन प्रियम्प्टिव। तो FCFS की तरह SJF भी प्रियम्प्टिव भी है, नॉन प्रियम्प्टिव भी है, मतलब बीच में से रोका जा भी सकता है, नहीं भी, दोनों तरफ से काम करता है। Using this method, waiting time is minimized. ये इसका main point है जो आपको याद रखना है, कई बार exam में भी आए। अगला है, बड़ा important है, priority based है। ये जो ऊपर वाले दोनों आपने देखे, ये आमतौर पर नहीं होता, आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब नहीं होता, ये सब पुराने ज़माने की बात है। अब जो आपके सामने आ गया algorithm scheduling का, ये नए ज़माने का है, आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। Priority scheduling is a non-preemptive algorithm. नॉन प्रियम्प्टिव है, इस पॉइंट को याद रखना है, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, और आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होने वाला एक कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ईच प्रोसेस इज असाइंड ए प्रायोरिटी, हर एक प्रोसेस को एक कोई प्रायोरिटी असाइन किया जाता है। जैसे अब जाते हैं ना हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए, पहले बात हुआ तो आपका नंबर 10 है, आपका नंबर 11 है, तो असल में वो प्रायोरिटी ही असाइन हो रही होती है कि आप पहले दिखाएंगे, उसके बाद आप दिखाएंगे डॉक्टर के पास। तो प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन। प्रोसेस विद सम सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब जो वहाँ जो बंदा बैठा हुआ था उसने 10 नंबर के दो पेशेंट गलती से कर दिए, तो जो पहले आया था वो पहले दिखाएगा। मैंने पहले भी बात कहा, जब टाई हुआ तो FCFS आ जाएगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड में ये होता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रायोरिटी असाइन किस बेसिस पर होता है। प्रायोरिटी कैन बी बेस्ड ऑन मेमोरी रिक्वायरमेंट। अब देखा जाता है कि प्रोसेस की रिक्वायरमेंट, मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। जब हम प्रोसेस कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसको हम ओपन करेंगे तो वो कितना रैम में जगह लेगा, टाइम रिक्वायरमेंट उसको खुलने में कितना टाइम लगेगा, एंड अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट, और उस प्रोसेस के जो दूसरे और रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, जो उसकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या उसको चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रन करने के लिए, वो सभी चीज़ों को एनालाइज करके प्रायोरिटी असाइन किया जाएगा। और इसका एक एल्गोरिदम कोडिंग प्रोग्राम लिखा रहता है, वो पहले देखता है कि प्रोसेस कौन सा है, उसके हिसाब से उसको प्रोसेस और उसको एक प्रायोरिटी असाइन कर देता है। अब राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, अगला हमारा जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने लिख दिए तीन पॉइंट में, जो आमतौर पर एग्जाम में आते हैं। दिस इज प्रियम्प्टिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है।
ईच प्रोसेस इज प्रोवाइडेड ए फिक्स टाइम टू एग्जीक्यूट इन अ साइक्लिक वे. जो भी प्रोसेस होगा उसको एक फिक्स टाइम अलाउट किया जाएगा और इस टाइम पीरियड को क्वांटम कहा जाता है. ये वाला सवाल कई जगह आया है, आपको याद रखना है कि क्वांटम एक टाइम पीरियड है जो कि प्रोसेस को अलाउट किया जाता है. जितनी देर के लिए प्रोसेसर अलाउट होगा उस टाइम पीरियड को क्वांटम कहा जाता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर. इट इज़ डिज़ाइंड फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम. ये आपको टर्म याद रखना पड़ेगा, टाइम शेयरिंग वाला जो है वो राउंड रॉबिन से एसोसिएटेड है, ये वाला टर्म आपको याद रखना पड़ेगा. अगला हमारा पॉइंट है व्हाट इज़ थ्रेड. ये भी बड़ा कॉमन है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लोग पढ़े उनको थ्रेड के बारे में कभी ना कभी सुने होंगे. थ्रेड इज़ ए पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड ए प्रोसेस. एक प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर जो पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, या आप ऐसे कह लें कि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, आप प्रोसेस को ब्रेक करेंगे तो वो थ्रेड्स में ब्रेक होगा. ए प्रोसेस कैन कॉन्टेन मल्टीपल थ्रेड्स. थ्रेड इज ऑल्सो टर्म्ड एज लाइट वेट प्रोसेस. ये सब टर्म याद रखिए. वाट इज मल्टी थ्रेडिंग. वेन मल्टी थ्रेड्स आर अलाउड बाई प्रोसेसर टू रन कनकरेंटली. थ्रेड क्या था? एक सिस्टम, एक प्रोसेस का पार्ट था. जब कई प्रोसेस के पार्ट को कंकरेंटली रन के लिए अलाउ किया जाता है देन इट इज़ कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग. अच्छा, द मल्टी थ्रेडिंग मीन्स मल्टीपल थ्रेडिंग्स आर रनिंग कंकरेंटली. नाम से ही क्लियर था. व्हाट आर इंटरप्ट्स एंड इट्स टाइप. एन इंटरप्ट इज ए सिग्नल टू द प्रोसेस बाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिकेटिंग एन इवेंट डैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन. इंटरप्ट एक सिग्नल है, या तो वो हार्डवेयर की तरफ से या सॉफ्टवेयर की तरफ से. सिग्नल किसको देगा? सिग्नल देगा प्रोसेसर को, सीपीयू को, चाहे वो हार्डवेयर दे या कोई सॉफ्टवेयर दे, कि आपको वहाँ पर अटेंशन चाहिए. आगे आपने कोई सॉफ्टवेयर रन किया, वहाँ पर आपको एरर का मैसेज आ गया कि दिस देर इज़ दिस प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन. ऐसा करके कई बार एरर का आ जाता है ना, तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट था, उसने आपको सिग्नल दिया कि कुछ प्रॉब्लम है. कई बार हम यूएसबी लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वहाँ पर आ जाता नीचे में यूएसबी नॉट रिकग्नाइज्ड, ऐसा करे कोई मैसेज आता है. तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट था, हार्डवेयर ने आपको सिग्नल दिया, प्रोसेसर को, सीपीयू को सिग्नल दिया. तो इसी तरह से जो इंटरप्ट है वो कोई ना कोई आपको असल में नोटिफिकेशन दे रहा होता है टाइम टाइम पर, जिस तरह से बिहार बोर्ड छपवाता है ना टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन अखबारों में. तो ये जो इंटरप्ट होता है वो सीपीयू को नोटिफिकेशन दे रहा होता है, जो फिर हमारे सामने दिख जाता है स्क्रीन पर. तो आम तौर पर लेकिन जो इसका इस्तेमाल होता है वो आईओ, इनपुट आउटपुट, अलग अलग जो प्रोसेस हैं उसमें इस्तेमाल होता है इंटरप्ट का. अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटरप्ट कौन कौन से हैं. इंटरप्ट हार्डवेयर जनरेटेड भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड भी हो, और एक ट्रैप होता है, जो कि ट्रैप कई बार पूछा गया एग्जाम में. हार्डवेयर इंटरप्ट नाम से ही साफ है कि हार्डवेयर इसको जनरेट करेगा, हार्डवेयर जनरेटेड ये है जो इंटरप्ट है. दे नीड सम अटेंशन, है ना, हार्डवेयर की तरफ से आपको कोई इंटरप्ट आ गया, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको डिवाइस में कुछ करना पड़ेगा जो उसका प्रॉब्लम है. मान लीजिए आपने प्रिंटर लगाया हुआ है, प्रिंटर आपको कोई मैसेज दे रहा है कि प्रिंटर नॉट कॉम्पैटिबल या ऐसा कुछ भी बोल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा एक वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ड्राइवर पर काम करना है या उसके हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, दीज आर जनरेटेड बाई प्रोग्राम्स वेन दे वांट टू रिक्वेस्ट कॉल टू बी परफॉर्म बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. तो इसका मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दे दिया कि आप सॉफ्टवेयर कोई रन करते हैं, वो रन नहीं हो पाता है, कोई एरर आ जाता है, तो आपको इस तरह का आपको इंटरप्ट मिलता है. ट्रैप पे चलते हैं. दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट सिग्नल जनरेट्स इन कंडीशन ऑफ एक्सेप्शन और फॉल्ट. इस पॉइंट को याद रखिए, ट्रैप भी एक तरह का इंटरप्ट ही है, पर ये तब अकर होता है, तब हमारे सामने आता है जब पूरी प्रोसेसिंग में, पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशन में कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए, एक्सेप्शन और फॉल्ट. मैंने टर्म्स याद रखने को बोला था कि बहुत सारे टर्म्स के साथ आप टर्म्स को एसोसिएट करके याद रखिए. आपने कॉपी पेन पर लिख लीजिए, ट्रैप जहाँ पर लिखा हुआ है उसके सामने में एक्सेप्शन और फॉल्ट लिख लीजिए. तो एक्सेप्शन और फॉल्ट जनरेटेड बाई सीपीयू, ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिए. ट्रैप जनरेटेड बाई सीपीयू एंड इट अकर्स इन केस ऑफ एक्सेप्शनल, जब होगा कुछ, व्हेन देयर इज समथिंग एक्सेप्शनल अकरिंग इन द सिस्टम, देन यू विल गेट ट्रैप मैसेज और द ट्रैप इंटरप्ट. टू इंडिकेट डेट सम एरर और कंडीशन अकर्ड फॉर विच असिस्टेंस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ हेल्प चाहिए आपको जब ये सिग्नल देगा. तो ये हो गई ट्रैप की बात. तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कई टॉपिक्स को कवर किया. अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया कि आसान भाषा में समझाया जाए.
अभी वीडियो तकरीबन 20 मिनट का हो चला है और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। दो या तीन और वीडियोस बनेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर हो जाएगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का एमसीयू लेके आएंगे 40-50, जैसा कि हर बार करते हैं। जब डीबीएमएस और एसक्यूएल ख़त्म हुआ था तो उसके बाद एमसीक्यू करवाया था, जब पिछला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा वेयर हाउस और दूसरे जो टॉपिक ख़त्म हुए थे तो उसके बाद भी एमसीक्यू करवाया था, इसके बाद भी होगा। और धीरे धीरे कोशिश है कि जितना भी इसके बाद फिर नेटवर्किंग, फिर प्रोग्रामिंग, क्योंकि अभी सिलेबस रिलीज़ नहीं हो रहा इसलिए थोड़ा प्रोग्रामिंग अभी कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन सिलेबस कुछ भी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, ये तो वहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।